खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित कर महामुद्रा के बारे में अपने विचार रखने का जो अवसर प्रदान किया है। मैं एक भिक्षु के नाते जन्म से लेकर आज तक एक प्रकार से दूसरे के द्वारा किए गए, है ना, दूसरों के द्वारा संपन्न किए गए सामग्रियों को ही उपयोग करते रहा हूँ। अपने तरफ से किसी को देने के लिए उसे कुछ नहीं है। एक भिक्षु की हैसियत से यदि मैं कुछ लोगों को शेयर कर सकता हूँ या लोगों को कुछ मैं दे सकता हूँ, तो वो यही है कि बौद्ध दर्शन पर मैं अपने विचार को लोगों के सामने रख सकता हूँ। उसके अतिरिक्त मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई विशेषज्ञता उसके अतिरिक्त है। बुद्धिज्म को मैंने 30-40 सालों से अध्ययन किया है, निश्चित रूप से मैं बुद्धिज्म पर कुछ कह सकता हूँ। तो अब फिर एक यह है कि बुद्धिज्म तो बहुत विस्तृत है, बहुत गंभीर या अब किस अब बहुत मुश्किल है कि किसको चुने, क्या कहें, कैसे बोलने कैसा कैसा करता है। तो इसलिए मैं ये आपसे ज़्यादा आशा करूँगा कि प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करें, जिससे कि मैं कुछ आपका स्पष्टीकरण कर सकूँ। अन्यथा आप क्या चाहते हैं इसका जानकारी मुझे नहीं है। तथागत बुद्ध के पास तो अभिज्ञा थी, शक्ति था, वो जानते थे कि किसको क्या बोलना चाहिए, वो बोलते थे। अब मैं तो वही बोलूँगा मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जो मैं जानता हूँ वही बात करूँगा। पता नहीं वो आपको अच्छा लगता है नहीं लगेगा, तो जो भी ऐसा है। तो आज का विषय जो है महामुद्रा है। तो महामुद्रा को समझने से पहले मैं समझता हूँ बुद्धिज्म है क्या चीज़, बुद्ध है क्या चीज़। तो जब हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का मतलब होता है बोध होना। बोध होने का अर्थ क्या है? अपने स्वभाव को समझना, अपने चित्त को जानना, है ना, अपने को जानना, अपने वास्तविकता को जानना, अपने रियलिटी को जानना। यदि आप अपने रियलिटी को जानेंगे, वास्तविकता को जानेंगे, तब आप दूसरे की वास्तविकता को भी समझ सकेंगे। सबसे कठिन काम है अपने वास्तविकता को समझना, वास्तविकता क्या है। जब हम वास्तविकता की बात करते हैं, वास्तविकता क्या है, यही है मेरा 2-2.5 हाथ का ये शरीर, यही तो है। तो आपको बोलता हूँ इस शरीर के अंदर आपको समझना है मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ की बात आती है बुद्धिज्म में, मैं क्या है, मेरे व्यक्ति कौन है। व्यक्ति जो है जड़ और चेतन दो चीज़ों से बना है। व्यक्ति जब हम कहते हैं, एक तो बायोलॉजिकल है ना, मैटर है, और दूसरा कॉन्शियसनेस है, दूसरा माइंड है। बॉडी और माइंड का संयोग कॉम्बिनेशन ही व्यक्ति है। जब हम व्यक्ति कहेंगे तो शरीर और मन दो चीज़ों से हम बने हैं। जब हम दो चीज़ों से बने हैं तो हमको, हम जब शांति की बात करते हैं या सुख की बात करते हैं या दुख की बात करते हैं, तो सुख भी वही होगा, या तो शारीरिक सुख होगा या तो मानसिक सुख होगी। दुख होगा तो या तो शारीरिक पीड़ा होगी या तो फिर मानसिक दुख होगा। इसके अतिरिक्त नहीं, सुख और दुख का दो ही डिवीजन है, शारीरिक सुख दुख और मानसिक सुख। तो शारीरिक सुख के लिए उसका अपना रिक्वायरमेंट्स है, उसकी आवश्यकता अपनी है। शारीरिक सुख के लिए उसकी आवश्यकता आपको रोटी कपड़ा मकान आदि आदि जो बौद्धिक चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता है। जब तक आपके पास बौद्धिक वस्तु है ना, जितनी आवश्यकता है वो अगर आपके पास नहीं है, रोटी कपड़ा मकान आपके पास नहीं है, यदि अभाव है, यदि कमी है, तो हम कभी सुख से जीवन यापन नहीं कर सकते।
तो रोटी कपड़ा मकान तो है आपके पास, क्या उसी से सब कुछ हो जाता है? ऐसा नहीं है। दुनिया में करोड़ों पति अरबोंपति है कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको जो अपना बैंक का बैलेंस क्या है वो भी पता नहीं, लेकिन क्या वो सुखी हैं? अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो तनाव घर में है, वो टेंशन में है, प्रतिशत कंपटीशन में है, कैसे किसको दबाया जाए, कैसे क्या, बहुत सारी चीज़, ये क्या है? मानसिक सुख, मानसिक दुख है। तो इसलिए हमको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, है ना। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आपको, जो है जो मैं बात कर रहा हूँ आपको आत्मसात करते हुए आपको सोचना है। जब मैं कह रहा हूँ शरीर, तो आपको अपने शरीर पर फोकस करना है। जब मैं कह रहा हूँ मन, तो आपको जो है मन पर ज्ञान केंद्रित करना चाहिए। हाँ, मेरा शरीर है तो मेरा मन है, सुख है तो मेरा शारीरिक सुख, शारीरिक दुख मन। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर मार रहा हूँ आप लोग सुन, एक प्रकार से हम लोग एक साथ जर्नी कर रहे हैं, एक बस में बैठे हैं तो दृश्य देख रहे हैं, एक प्रकार से मैं गाइड करता हूँ कवर ऐसा है, लेकिन आप स्वयं खुद देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करके आप सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ समझ भी आएगी और फायदा भी होगा। अच्छा, तो शारीरिक सुख के लिए यह है, तो फिर उसके साथ मानसिक सुख, मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख ऐसा ही यही है, जब हम राग के वश हो जाते हैं, द्वेष के वश हो जाते हैं, ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा होती है, जेलसी, ये सब चीज़ें होती है, तो हमारा मानसिक संतुलन खो जाता है। जब मानसिक विकार हमारे अंदर पैदा होती है तो हमको प्रॉब्लम होता है, तो इससे हम लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए शारीरिक दुख और मानसिक दुख से। तो सिर्फ एक ही शब्द यही कहने चाहूँगा, हमारे साथ कभी कभी क्या होता है कि शारीरिक सुख, शरीर के लिए क्या चाहिए था, कपड़े चाहिए थे या एक कमरा चाहिए था रहने के लिए या भोजन चाहिए था। शरीर के लिए भोजन 50 रुपये में भी अनफ था, 50 रुपये का भोजन से आपके शरीर के लिए जो ज़रूरत है वो पूरा हो सकती थी, लेकिन शरीर के रिक्वायरमेंट पर भी आपका माइंड डोमिनेट हो जाता है, है ना। माइंड डोमिनेट होकर के ये चाहता है कि 50 रुपये में क्यों खाएं, हमको तो 2000 का खाना है, हमको तो बड़ा होटल में जाना है या हमको ये रेस्टोरेंट में जाना है, इसकी क्या आवश्यकता थी? क्योंकि शरीर का रिक्वायरमेंट जब 50 रुपये से पूरा हो रहा था तो फिर उस पर आप अपने माइंड को डोमिनेट क्यों होने दे रहे हैं, है ना। माइंड को डोमिनेट, माइंड को डोमिनेट, अगर आपके शरीर के रिक्वायरमेंट पर भी माइंड डोमिनेट करते रहेगा तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते, है ना। आज 2000 का खाएंगे तो फिर चाहेंगे 5000 वाला खाएं, फिर चाहेंगे कि 10000 वाला खाएं, कोई उसका अंत नहीं होगा। तो इसलिए शरीर का रिक्वायरमेंट क्या है उसको अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह समझिए, है ना। अगर आप ऐसा जीते हैं ना, जी के देखिए आनंद कैसे होगा। उसी प्रकार वस्त्र को लीजिए, है ना, कॉटन कपास का बना हुआ कमीज और कुर्ता, शायद 250-300-500 रुपये में सुंदर हो, चलो 1000 रुपये में बहुत अच्छा आपको जो है ये मिल सकता है, कमीज और पैंट, ये पजामा या जो भी है शरीर के लिए सबसे उपयुक्त सुंदर लगने वाला मिल। लेकिन वहाँ पर भी आपका माइंड काम करने लगता है, नहीं जी हमको तो ब्रांडेड चाहिए, हम 200 रुपये का कमीज पहनेंगे 5000 का कमीज पहने, जब मेरा दोस्त 5000 का पहन रहा है मेरे को भी 5000 का कमीज पहनना है। ये चाहने, ये उस समय जो गलती हम ये करते हैं वहाँ माइंड डोमिनेट हो रहा है, ये हमको आभास नहीं होता, कभी भी माइंड को डोमिनेट नहीं होने देना है ना। वास्तव में आप जेन्युइन शांति चाहते, वास्तव में शांति चाहते हैं तो ये करना होगा। एक व्यक्ति के लिए जूता, जूता 1000-2000 में भी अनफ था, लेकिन आप 5000 या 7000 खर्च करने क्यों चाहते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों चाहते हैं? ठीक है, आपके पास उपलब्धता है ना, आपके पास बैंक बैलेंस करोड़ों में है, चलिए पहन सकते हैं आप 5000 या 10000 का जूता भी पहन सकते हैं, लेकिन आपके पास बैलेंस वो नहीं है, है ना। बैलेंस बैंक अकाउंट आपको 10000 का जूता पहनने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो क्यों आप दबाव में वो यूज़ करने चाहिए? इस पर थोड़ा ख्याल रखना चाहिए।
अगर ऐसा करें शारीरिक रिक्वायरमेंट पर माइंड को डोमिनेट होने मत दीजिए। वास्तव में अगर आप शांति चाहते हैं तो, नहीं तो शांति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो अब फिर विश्व इधर उधर बढ़ते जाऊंगा क्योंकि मेरे को महामुद्रा पर बोलना ये भी जरूरी था, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। मैं तो अपने जीवन में ऐसा ही करता हूँ, वास्तव में ऐसा ही करता हूँ। मैं समझता हूँ अरे एक दिन मेरा आसानी से 70 रुपये में सब कुछ, ब्रेड पा भोजन पानी सब कुछ होता है। मेरे को आनंद है 70 रुपये में भोजन करके, बहुत आनंद आता है। कभी मेरे को 1000 रुपये दे के भोजन करना पड़ता तो पीड़ा होती है, क्या फायदा है सही में। ठीक है ना, वस्त्र को लें बस, बहुत अच्छा लगता है जो पहने हैं, 1000 में बस अनक हो जाता है, इसको आप लोग अनुभव कीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर जो भी हो कुल मिलाकर बुद्धिज्म क्या है, माइंड ट्रेनिंग है, माइंड ट्रेनिंग। ठीक है, बुद्धिज्म माइंड ट्रेनिंग, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। माइंड को कैसे कंट्रोल में रखना है, बुद्धिज्म यही है। अब अनेक उपाय हैं माइंड ट्रेनिंग के, अनेक उपाय हैं, जैसे कि एक ग्रेजुअल पाथ, क्रमशः विकास करना होता है, ग्रेजुअल पाथ। ठीक है, अब जैसे कि उसमें आप शरण गमन करते हैं, बोधिचित्त उत्पन्न करते हैं, धान पारमिता के बारे में सोचते हैं, शील पारमिता के बारे में सोचते हैं, आप इस तरह का क्रमशः एक प्रोसेस है वो जो है एक प्रकार से क्या है, ग्रेजुअल पाथ के रूप में हम जानते हैं। फिर वहीं पर दूसरा एक रास्ता है माइंड ट्रेनिंग का, दूसरा रास्ता है ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन। पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये तंत्र वाला पाथ जो है पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन है, है ना। वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने अपने शरीर को शून्यता में डिसॉल्व किया था, है ना, इसको जो है प्योर लैंड में विजुलाइज करा था, अपने को हमने जो है वैशिष्ट गुरु के रूप में विजुलाइज किया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप अपने को वैशिष्ट गुरु के रूप में ट्रांसफर करते हैं और आपके सामने जो लोग हैं वो सब अगर वैशिष्ट गुरु के रूप में अगर आप मानते हैं तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई समस्या होगी, होगा कि नहीं, कैसे होगा, कैसे भेदभाव होगा। मैं वैशिष्ट हूँ, आप सामने बैठे हुए सभी लोग वैशिष्ट हैं, डिवाइन हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का प्रश्न ही नहीं उठता है। नजरिया बदलना पड़ेगा, हमारा समस्या नजरियों के चलते है, है ना। एक कहावत है ना, अपने मकान का घर का खिड़की साफ नहीं हो, धुंधला हो तो बाहर भी ऐसे गंदा दिखाई देगा, है ना, वो तो आपने सभी ने सुना होगा, है ना। खिड़की से बाहर देखते हैं तो साफ दिखाई नहीं, क्योंकि वो अपना है ना, खिड़की तो अपना गंदा है। फिर वो जो बाहर देख के बोलते हैं ये कैसे गंदा कपड़ा धो के रखी है इसने, है ना, यहाँ धो के रखा है ना, उसको ये पता नहीं है वो बाहर का कपड़ा धोया बिल्कुल साफ सुथरा सुखाया हुआ है, लेकिन आपका जो शीशा जो है गंदा होने के नाते वहाँ गंदगी दिखाई दे रही है, वो तो हम सोचते नहीं है ना। तो ये है ना दृष्टि के चलते, अच्छा और बुरा जो है हमारी दृष्टि के चलते। अगर आप अच्छा ही अच्छा देखेंगे, डिवाइन ही डिवाइन देखेंगे, मैं समझता हूँ कहाँ भेदभाव, कहाँ लड़ाई फसाद, कहाँ झगड़ा। अब ये बोलने मात्र से तो होगा नहीं, ये तो जीना पड़ेगा ना, इसके अनुरूप आपको चलना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसा नहीं चलते तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बुद्धिज्म का क्या क्या है, मास्टर का क्या होता, आपको परिचय देना है। परिचय देने के बाद उसको आप जीवन में उतारते हैं या नहीं उतारते वो आप निर्भर करते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम घोड़े को नदी के किनारे तक ले जा सकते हैं लेकिन हम उसको पानी नहीं पिला सकते, पानी घोड़ा स्वयं पिएगा चाहेगा तो, नहीं तो आप मुंह में पानी घसोड़ भी दो वो पानी नहीं पिएगा। मास्टर का काम मात्र जो है वास्तविकता को दिखाना है, उसका अनुकरण करना आप पर निर्भर करती है। अगर एक एक विचार को भी अगर आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे निश्चित रूप से कोई समस्या रह नहीं सकती, कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है समस्या का,
है ना, लेकिन हम सुनते हैं उसके अनुरूप हम जीते नहीं हैं, जीते नहीं है तो कितना है, देखो परेशानी है ही ना, नहीं तो हमारे मन को परिवर्तन करना, सुधार करना, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप ये सोचें मेरे शरीर के लिए 1000 रुपये का साड़ी या 1000 रुपये का सूट एनफ है, कल से अगर आप उसको अनुकरण करेंगे, देखिए आनंद आता है कि नहीं आता, देखिए आप कल से ये तय करें कि नहीं मेरे डेली भोजन में जो है डाइजेशन क्या कहते हैं डाइट में जो है 100 रुपये खर्च करूँ, बस करके देखिए कितना चैन कितना आनंद होगा, नहीं कि क्या बोलने की बात है बोल कर रह जाएंगे कुछ नहीं होगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है। तो युवाइन वैसे जी गुरु पावन करते रहिए ना, बैठते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं वैसे जी गुरु, मंत्र सुन रहे हैं वैसे जी गुरु, अपना शरीर है वैसे जी गुरु, है ना, सब है वैसे जी गुरु, फिर तो ये तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक पाथ है, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ है, क्या अवलोकेश्वर विजुलाइज करना, अवलोकेश्वर विजुलाइज कीजिए, तारा विजुलाइज करना हो तारा विजुलाइज कीजिए, और तारा विजुलाइज करते हुए जाइए ना, अगर आप ऑफिस में काम करते हो ना उसका प्रभाव क्या होगा आप देखिए, है ना, अवलोकेश्वर विजुलाइज करते हुए आप ऑफिस जाए, जहाँ का लिए रहते हैं किसी के साथ बात करते हैं ऐसा करके बात कीजिए ना, उसका प्रभाव देखिए, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो होगा, क्योंकि कभी कभी मैं अनुभव नहीं सुन रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना जो हमारे यहाँ टीवी पर मेरे बोलते हैं ना ये दवाई लगा कि मेरे पहले बहुत पीड़ित थी ठीक हो गया ये हो गया, प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये हो गया वो हो गया प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ मैं भी एक मैं दबंग व्यक्ति हूँ, मैं झुकता नहीं किसी से, सीधा बोलने वालों में मेरा स्वभाव, क्यों मैं गलत नहीं करता हूँ इसलिए मैं सीधा बोलने वालों में सही बता रहा हूँ, ये ईमानदारी से आज के युग में ऐसा जैसा व्यक्ति जी नहीं सकता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मन है, लेकिन जब भी हूँ मैं इस देव की भावना करते रहता हूँ, जब भी हूँ मैं अपने को मंजूश्री के रूप में बैठता हूँ, इसे इफेक्ट ही नहीं पड़ता मेरे को, मैं कुछ भी बोल दूँ ना तो मेरे ऊपर कोई डोमिनेट होते हुए मैंने देखा नहीं, ये मैं अनुभव सुना, ये फिर वो टीवी वाला अनुभव नहीं है, सही बता रहा हूँ वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होते हुए मैंने देखा, इसको आप लोग अनुभव कीजिएगा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ वाला अगर ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम क्या है उसको आप लोग देखिएगा। अब उसके बाद जो है अब तीसरा जिस पर मेरे को बोलना है वो है महामुद्रा पर, महामुद्रा क्या है, महामुद्रा पाप जो है एक प्रकार से जो है क्या है पाप ऑफ डायरेक्ट, पाप ऑफ डायरेक्ट, इसमें ना हमको जेनरसिटी की प्रैक्टिस करनी है, ना हमको शील के बारे में सोचना है, ना हमको प्रज्ञा के बारे में सोचना है, ना ही हम अपने शरीर को जो है ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन डेटी के रूप में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, महामुद्रा महामुद्रा क्या है डायरेक्ट विघ्न उपाय है, सीधा अपने चित्त को देखो, अपने मन को देखो, चित्त की प्रवासवत्ता को देखो, ये महामुद्रा है ना। इसका हमारे कर्तृत्व परंपरा के महान साधक मरपाल लोता थे, कर्तृत्व के फाउंडर जो है मरपाल लोता भारतवर्ष में 3 बार आए थे, वो तिब्बत के थे, 11th century में भारत में 3 बार आके काश्मीर नालंदा आदि आकर के उन्होंने अध्ययन किया था, अध्ययन करने के 16 साल रहे वो भारतवर्ष में, 16 साल मरपाल जो है भारतवर्ष में 16 साल रह करके एक और सीता जिसमें नागपात थे तिलोपात थे नेत्रीपात थे उनका सेवन करके उन्होंने महामुद्रा टेक्निक को या महामुद्रा टीचिंग को जो उन्होंने लिया लेकर के उन्होंने तिब्बत में जो है महामुद्रा का प्रचार प्रसार किया। महामुद्रा में करना कुछ नहीं, वैसे भी मेडिटेशन में करना कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है नथिंग टू मेडिटेट अपॉन एनीथिंग काइंड ऑफ थिंग बट डोंट यू नो डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, ऐसा बोलता है टीवी में बोलता है माइंड बनने, वास्तव में मेडिटेशन किसी को आलम बना के मेडिटेशन करना नहीं होता है, किसी
किसी ऑब्जेक्ट को रख के मेडिटेशन नहीं होता, मेडिटेशन है ठीक है, कोई देवता की भावना नहीं करना है हमको, नहीं किसी चीज को हमको फोकस नहीं करना है, ना ही हमको आनापान करके ये श्वास प्रश्वास पर देखना है, ना ही कुछ आलंबन नहीं करना है ना, लेकिन अलर्ट रहना है, सिर्फ अवेयर होकर के रहना है, प्रवाह पर में स्थित होकर के रहना है, अपने चित्त में स्थित होकर के रहना है। अब आप कह सकते हैं वो चित्त क्या चीज है, चित्त बहुत मुश्किल चीज है, चित्त क्योंकि आरूपी है ना, उसको फॉर्म नहीं है, वो मैटर नहीं है, है ना, इसलिए हम चित्त को जो यह करके पॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा ठीक है, चित्त को हम समझा सकते हैं, एनालॉजी देकर के हम समझा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एनालॉजी क्या है, ज्यादातर शिवों के ग्रंथों में चित्त को पॉइंट करने के लिए कहते हैं कि आकाश की तरह है चित्त, चित्त जो है कैसे है, आकाश की तरह है, हम शब्द प्रयोग करते हैं आकाश, आकाश करके स्पेस करके शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उस शब्द का क्या अर्थ है बताओ, अगर किसी से पूछेंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, वो पॉइंट नहीं कर सकेगा, वो बता नहीं पाएगा कि आकाश ये है। शब्द तो प्रयोग करते हैं हम आकाश, लेकिन आकाश क्या चीज है अगर हम पूछते हैं तो यह कह करके आकाश हम पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार चित्त तो हम कहते हैं, चेतना तो हम कहते हैं, मन तो बुद्धिज्म में चेतना मन सब एक है, ये सांख्य की तरह नहीं दूसरा है ना, बोधों में जो है चित्त मन जो पर्यायवाची है, तो मन क्या है या चित्त क्या है, आकाश की तरह आकाश है। अगर आकाश नहीं होता तो हमारा मूवमेंट संभव है, हम मूवमेंट कर सकते हैं आकाश नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, आकाश है। आकाश नहीं होता तो बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता था, आकाश नहीं होता तो हम आप में डायलॉग नहीं हो सकती थी, आकाश है लेकिन कैसे है, आकाश कैसे है पूछेंगे तो आप शांत हो जाएंगे, शांत होना आकाश की पहचान है। चित क्या है, जब आप शांत हो जाएंगे कहीं कुछ लेवल नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, वो चित प्रवास है ना। जैसे अब फिर थोड़ा और खुला करता हूं, जब हम चित की बात करते हैं, चित में एक प्रकार से मिरर का क्वालिटी है, आदर्श, आदर्श है ना, मिरर जो ना शीशा होता है ना, उस चित में एक क्वालिटी मिरर का है, जैसे कि आदर्श में शीशे के अंदर रूप दिखाई देता है कि नहीं, रूप रिफ्लेक्ट होता है ना, रूप प्रतिबिंबित होता है शीशे के अंदर ठीक है, उसी प्रकार हमारे चित के अंदर वस्तु रिफ्लेक्ट होती है, मिरर का क्वालिटी हमारे चित में है, वो है वस्तु को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता, जिस प्रकार मिरर में है उसी प्रकार हमारे चित में है एक, लेकिन मिरर क्या है, मैटर है, लेकिन हमारा चित मैटर नहीं है, वो अलग है ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल चित को जो है हम आकाश से देते हैं ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्ट होता है लेकिन मिरर के तरह रिफ्लेक्ट होता है लेकिन मिरर के तरह नहीं है, अभी तो वो क्या है, आकाश के तरह है, इन्फिनेट है चित, इन्फिनेट है चित, बोले आदि या अंत नहीं होता है, जिस प्रकार आकाश कहेंगे आकाश का कहीं आदि होता है नहीं, आकाश का कहीं अंत होता है नहीं, ठीक उसी प्रकार चित का न आदि है न चित का कोई अंत है। फिर जब मैं चित का न आदि है न चित का अंत है जब मैं ये कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे हिंदू दर्शन में आत्मा है या ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसा मेरा अर्थ नहीं है, ऐसा मेरा मीनिंग नहीं है ठीक है। चित का मतलब जो है क्या है, ऐसा नहीं कि एक पदार्थ जैसा है आकाश के सब में व्याप्त है, ऐसा नहीं, व्याप का अर्थ है चित में ऐसा पोटेंशियल, उसमें कैपेसिटी ऐसा है कि वो किसी चीज को भी समझ सकता है, इन्फिनिट उसके अंदर जो है एक प्रकार से क्वालिटी है, वो जा सकता है
इसलिए इंटरनेट कहा है। ठीक है, मेरा चित मेरा है, आपका चित आपका है, अलग अलग है, लेकिन उस चित की क्षमता क्या है, जो भी वस्तु वो जानने चाहता है वो जान सकता है, चित से बात कुछ भी नहीं। आकाश के तरह ये उपमा, जैसे मेरा आंख, जैसे मेरा आंख थोड़ा बड़ा है, एक छोटा जैसा भी हो आंख है ना, आंख तो छोटा है ना, तो कितना बड़ा बड़ा दिखाई देता है, अजीब है ना। ये आंख तो छोटा है, इतना बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इतना दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, क्या क्षमता है इस आंख के अंदर, छोटा सा इसके अंदर इतना दूर दूर तक देख सकता है, ये शक्ति है ना, ये है ना चक्षु की शक्ति है ना। उसी प्रकार हमारे जो चित्त है ना, उसी शक्ति इन्फिनिट सब जान सकता है, सब देख सकता है, जब ये शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। अभी तो हमारा चित पर जो है बहुत लेयर है ना, हमारा चित शुद्ध पानी के तरह नहीं है, उसमें रंग चढ़ा हुआ है कई प्रकार का, या तो आदर्श के ऊपर बहुत मेल चढ़ा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो ये जब साफ हो जाएगा, हमारा चित भी इंटरनेट आकाश के तरह हो जाएगा, हर चीज आप समझ सकेंगे, सामने की तरह देख सकेंगे। ये जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में जब अभिज्ञा की बात है, क्लेवरेंस पावर की बात आती है, अभिज्ञा की बात आती है, तो कहा जाता है कि सामान्य व्यक्ति का जो अभिज्ञा की क्षमता होती है, वो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, या 1000 किलोमीटर की दूर के शब्दों को ही सुन सकता है, जिसके पास जो है संसारिक क्लेवरेंस पावर होता है ना, अभिज्ञा शक्ति होती है। लेकिन वही अगर अर्हत है तो अर्हत जो है वो 5000 किलोमीटर तक देख सकता है, 5000 किलोमीटर के दूर का शब्दों को भी सुन सकता है, उसका इतना शक्ति होता है अर्हत, क्या अर्हत के चित का, क्योंकि वो प्योर हुआ है, शुद्ध हुआ है ना, इसके चलते वो इतना दूर तक देख सकता है, बोधिसत्व और भी उससे आगे देख सकता है ना। ये कथा भी है शारिपुत्र के साथ, शारिपुत्र के साथ एक गृहस्थ ही वो भिक्षु बनने के लिए आया, जब शारिपुत्र थे तो एक गृहस्थ आया कि मैं भिक्षु बनने चाहता हूँ, आप मुझे भिक्षु की दीक्षा दीजिए करके आया था। तो शायद भिक्षु की दीक्षा हर किसी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि भिक्षु की दीक्षा को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के अंदर पुण्य भी होना चाहिए, अगर व्यक्ति के अंदर पुण्य नहीं है, आज भिक्षु का दीक्षा लेकर कल ही भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि भिक्षु का दीक्षा भी तो बहुत कीमती है ना, उसको वहन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, है ना। इसलिए तो यह है कि वो अभिज्ञा के बल से देखता है कि यदि मैं इसको भिक्षु का दीक्षा देता हूँ तो ये वाहन कर सकता है कि नहीं, इतना पुण्य इसके अंदर है कि नहीं। वो शारिपुत्र आंख बंद करके मौन होकर के अभिज्ञा बल से देखते हैं, तो उसके अंदर पुण्य दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर पुण्य नहीं है, तो वो जो है इनकार करते हैं, कहते हैं कि आपके अंदर जो आपके चित संतति में कुशल का संचय नहीं है, इसलिए मैं तो मैं भिक्षु की दीक्षा नहीं दे सकता हूँ करके उसको नकारते हैं। तो फिर उनको बहुत दुख होता है, दुख होते समय तथागत बुद्ध उस समय जो है राजगिरी में थे, तो वो बुद्ध के पास चले गए रोते हुए, वो व्यक्ति कहा कि हम शारिपुत्र के पास भिक्षु बनने गए थे, उन्होंने तो मेरे को जो है वो कर दिया, नहीं दिया, नकार दिया, तो आप तो फिर तथागत बुद्ध फिर समाधि में रह करके उन्होंने देखा कि इसके चित्त संतति में कुशल का संवर है या नहीं, तो उन्होंने देखा उसके अंदर था। कहते हैं कि पूरब बुद्ध काश्यप के समय में उन्होंने जो है स्तूपा का परिक्रमा करके पुण्य का संचय करके चित्त संतति में जो है पुण्य है, तो उन्होंने दीक्षित किया। तो बाद में कहा गया कि बुद्ध से शारिपुत्र जो आपका प्रज्ञा का सर्वश्रेष्ठ है उसने नकारा, फिर आप तो वो कहा कि नहीं, अर्हत का अभिज्ञ और बुद्ध का अभिज्ञ में जमीन आसमान का अंतर होता है, जो अर्हत देख सकता है वो, जो बुद्ध देख सकता है वो अर्हत नहीं देख सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं किसलिए बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि चित्त में जब गुण आने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, तो इसमें क्वालिटी अपने से विस्तार को प्राप्त करते रहता है, ठीक है ना चित्त का। अब इसलिए चित्त फिर भड़क रहा हूँ थोड़ा कल, तो ये हुआ कि क्या हुआ, चित्त को एक मिरर की तरह हुआ, एक रिफ्लेक्ट करने की क्षमता हुआ, दूसरा क्या हुआ, चित्त जो आकाश के तरह है, अरूपी है,
लेकिन अरूपी आकाश की तरह है, लेकिन आकाश किसी को फील नहीं कर सकता, वेदना नहीं है उसमें, फीलिंग नहीं होता आकाश में, चित्त में फीलिंग की क्वालिटी होती है। तो इस प्रकार चित्त के अंदर एक तो मिरर का क्वालिटी है, दूसरा स्पेस का क्वालिटी है, तीसरा अनुभव करने की क्षमता जो है चित्त में है। ये तीन गुणों से युक्त है हमारा चित्त है। अब इसको हमको अंतर्मुखी होकर के देखना है, जो अनुभव कर रहा है ये क्या है, कि क्या कौन अनुभव कर रहा है। जड़ तो कभी अनुभव नहीं कर सकता ना, अनुभव करने वाला तो चेतना ही हो सकता है, जड़ कैसे अनुभव करेगा, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में तथागत बुद्ध ने कहा है ना, देखिए कर्म और फल की जो व्यवस्था है वो तो अकल्पनीय है, वो कल्पना से अतीत है, बुद्ध ने कहा था। फिर बुद्ध ने कहा था कि देखो एटम फिजिक्स की क्षमता अपरंपार है, वो कल्पना अतीत है, वो आज आप देखें फिजिक्स ने क्या क्या कर दिया, समाज को ला करके दे दिया, ओबामा से बात कर सकता हूँ आराम से, देखिए नहीं दुनिया मेरे मुट्ठी में, वो फिजिक्स का कमाल है। अब फिजिक्स का कमाल है, फिजिक्स को किसने बनाया, जो स्मार्टफोन किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने बनाया तो जड़ ने थोड़ी बनाया, चेतना ने बनाया, दिमाग ने बनाया है ना दिमाग, वो है चित्त, ठीक है। इस चित्त को हमको समझना है, महामुद्रा इसी चित्त को समझने की बात करती है, इस चित्त को कैसे समझा जाए, है ना। इसमें एक प्रकार से महामुद्रा के अनुसार भावना क्या चीज है, जो चित्त संतति में विकार है, जो व्यर्थ की चीजें हम लोग जमा करके रखे हुए हैं उसको सफाई करना है, निकाल देना है, अलग कर देना है ना। जैसे कि मकान में लकड़ी पत्थर टेबल कुर्सी भरा हुआ हो, बहुत कंजस्टेड होगा, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, एक एक करके निकाल के बात कर दो, खुला हो जाएगा, शांत मन भी खुश हो जाएगा, शांत होगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या है, दुनिया भर की चीज़ों को निकाल के फेंक के खुला सांस लेना, ये मेडिटेशन है महामुद्रा का, ठीक है। ये मेडिटेशन है, खाली करना है आपको, कुछ प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ आपको खाली करना है। जो अनंत कल्पों में हम लोगों ने संचय करके रखे है ना, हमारे किन्नौर में देखता हूँ बुढ़ा बुढ़ी लोग पत्थर मिले में उठा के घर में रखते थे, तार का टुकड़ा मिले में जमा करके रखते थे, कुछ 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 चीज़ें मिले थी ना पुराने जमाने में, ऐसा सब जमा करके रखे, जबकि उससे काम होते नहीं कुछ, लेकिन जमा करके रखते थे ना हम लोग, वो पत्थर टुकड़ा या ये तार तो जमा नहीं करते होंगे, लेकिन अनावश्यक चीज़ें बहुत जमा करते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कर, ठीक उसी प्रकार विकार जमा मत करो, फेंको, खाली करो, खाली 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 रहिए। अच्छा तो फिर खाली रहने का तरीका क्या करना चाहिए, तो ये सिद्ध लोगों ने कुछ एग्जांपल दिया है खाली करने का तरीका। खाली करने का तरीका एक तो यह है कि प्रतीत समुत्पाद के फिलोसफी को देख करके हम खाली हो सकते हैं, प्रतीत समुत्पाद का थ्योरी जो है अप्लाई करके खाली हो, ये मैंने पहले के प्रवचन नहीं लेक्चर में कहा, मैं प्रवचन देता नहीं, मैं लेक्चर देता हूँ, ठीक प्रवचन बोले तो मेरे को अच्छा नहीं है। खैर तो मैंने एक बार आप लोगों से कहा था, याद होगा तो ये कागज़ है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं ये कागज जो है क्या है, अपने में इनहेरेंट है, अपने से बना हुआ जैसा सोचते कि नहीं, है ना, ये अपने में सक्षम है, अपने में बहुत कुछ है। चलो इस कागज की जगह पर उसको ले लें, एक डॉलर को ले लें, है ना, उसमें कितना ज़्यादा आसक्ति होगा कि यह डॉलर है करके, नहीं। लेकिन उस डॉलर को देखा जाए है चीज़ क्या चीज़ है, वो कागज़ से बना है, तो कागज़ कैसे बनता है, कागज पेड़ से बनता है ना, कागज पेड़ से बनता है कि नहीं, पेड़ से बनता है। पेड़ कहाँ उगती है, ज़मीन पर उगता है, ज़मीन नहीं है तो पेड़ उगेगी नहीं, उगेगा, ज़मीन चाहिए तो फिर बीज चाहिए, फिर पेड़ उगे, फिर उसके लिए पानी चाहिए, पानी कहाँ से आएगा, ओशन से आएगा, सागर है ना, सागर से सूरज के ताप से जो है सागर गर्म होगा तो भाप बनेगी, आकाश में जाएगा तो टेम्परेचर होगा, तो फिर वो जो बारिश के रूप में बर्फ़ के रूप में बरसेगी, तो पहाड़ों पर बर्फ़ होगा तो मैदानों में पानी आएगी, तो नदी नाले होंगे, उससे जो है पानी उसको मॉइस्चर मिलेगा पेड़ को,
फिर आकाश चाहिए, आकाश के बिना पेड़ तो फलित नहीं होगा, हुआ कि नहीं। अब देखिए इस कागज को बनने के लिए कितने कितने चीजों की आवश्यकता पड़ी, जमीन की आवश्यकता पड़ी, आकाश की आवश्यकता पड़ी, सागर की आवश्यकता पड़ी, सूरज की आवश्यकता पड़ी, मिट्टी की आवश्यकता, सब चीजों का, पंच महाभूतों का जो है कंट्रीब्यूशन योगदान रहा। लेकिन हम नहीं सोचते हैं ना इस कागज को बनने में पंच महाभूत का योगदान रहा, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अब इसी को लेके इस कागज से जो धरती ने दिया था उसको वापस कीजिए, जो ओशन ने, सागर ने इस कागज को बनने के लिए जो योगदान दिया उसको वापस कीजिए, आकाश ने जो योगदान इस कागज को बनने के लिए दिया उसको वापस कर दीजिए, और पानी ने जो योगदान दिया वापस, क्या बचेगा? बचेगा कुछ यहाँ नहीं ना। देखिए सर में ये कुछ भी नहीं है, हेतु प्रत्ययों के संयोग से ये बना है, दिखाई दे रहा है, हेतु प्रत्यय को अलग अलग कर देंगे तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, हम भी तो वही है, हम भी तो पंच महाभूत देना एक एक करके अलग कर दो, हमारा अस्तित्व ही कहाँ है? लेकिन हम बहुत कुछ सोच के बैठ जाते ना, हम तो बहुत है नहीं, सोचते ही नहीं। हमारे अहम की भावना देखो कैसे है, आपकी अहम की भावना तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए पता लग जाएगा आप कौन है। नहीं, एक कोई गैस रिसक गया तो पता लग जाएगा आप कौन है। तो ये तो हमारी स्थिति कैसे सेंसिटिव है ना, क्या है, लेकिन फिर भी हम तो बहुत कुछ सोच के बैठ जाते हैं। ये अगर इस प्रकार विश्लेषण करोगे तो क्या है, कुछ पाओगे नहीं, एम्प्टी है ना। इस मकान का पत्थर ये सब अलग कर दिया भाई, कुछ इसी प्रकार चीज से भी ना अलग अलग किए, निकाल दीजिए, खाली 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 खाली, ये भावना करना पड़ेगा, शून्यता की भावना ऐसा करना पड़ेगा। जो खाली खाली बचेगा तो क्या बचेगा, उचित बचेगा, और क्या बचेगा उसमें स्थित हो जाएगी, उसमें स्थित हो जाए, जैसे जैसे उसमें स्थित होंगे वो तीव्र 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 प्रकाश में बनते जाएगा। ये इसके साथ साथ जब ये इस प्रक्रिया को अगर आप सोचने लगेंगे तो उससे भी दूसरा फायदा क्या होता है, समृद्धि में हमें जो है दूसरों के प्रति ऋण की भावना, डेट की भावना, ऋणी की भावना आएगी, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम दूसरे पर निर्भर है ना, दूसरों के चलते हमारा अस्तित्व है ना, है ना, वायु के चलते हमारा अस्तित्व है, पानी के चलते हमारा अस्तित्व है, आकाश के चलते हमारा अस्तित्व, हर अन्य वस्तु के चलते मेरा अस्तित्व है, अगर दूसरा नहीं होता तो मेरा अस्तित्व ही कहाँ था। ये भाव पैदा होना चाहिए है ना, जैसे हम इस मकान से बाहर निकलते पेड़ को देखें, हमको ऋणी भाव पैदा होना चाहिए इस पेड़ के चलते, इस हरा पेड़ ने मेरे को ऑक्सीजन दिया है। हमने कभी सोचा ये पेड़ बाहर जो मैदान में 2-3 वृक्ष है इसका हमारे लिए कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना हमको जो है ये जो है निरोग बना ले, ये कभी हमने सोचा नहीं है ना, हम लोग बहुत स्वार्थी है ना, सोचते ही नहीं। ये ऋणी भाव पैदा होना चाहिए, सड़क का ऋणी भाव, सड़क को देखेंगे इतना सुंदर सड़क, अरे यार किसी गरीब मजदूर ने बनाया होगा, जब ठाट से नहीं चल रहा हो, उस समय जो मजदूर के प्रति अपने अंदर भावना, अच्छा भावना पैदा होना चाहिए, उसके चलते मैं आराम से चल रहा हूँ, है ना, ये हमारे रहते ही। चलिए गाड़ी में बैठिए, पता नहीं इस गाड़ी को बनाने के लिए किस किस ने खून पसीना बहा होगा, किस किस ने कितना कष्ट झेल करके गाड़ी बनाया, हमको परवाह ही नहीं, जाके बैठ गए ट्रक से चले हैं, वो शिव जी का शान की तरह है ना, हम लोगों का बर्ताव ऐसा होता ही नहीं। यूपी में थोड़ा कहावत होता है शिव जी का शान का, यहाँ तो पता नहीं आपका महाराष्ट्र में होता है कि नहीं, वो प्रॉब्लम फ्री कहने मतलब दबंग बन गए, फीलिंग ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। हम लोगों के साथ ऐसा हो, हर चीज पर जो ना अगर आप हैं तो ऋणी भाव पैदा होगा, ऋणी भाव होगा। आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको ऋणी भाव हो, अगर आपके अंदर ऋणी भाव है कितना सुंदर ढंग से आप काम करेंगे है ना, कितना सुंदर ढंग से काम करेंगे। एक बार ये बात जो है मैं लद्दाख में था है ना, मैं लद्दाख में डायरेक्टर के पोस्ट पर था, तो उस समय ये सोलिंगस दलाई लामा जी आए थे हमारे संस्थान में, मैं उनको वेलकम कर रहा था, वेलकम करते समय मैंने उनसे कहा था मैं बहुत ज़्यादा कुछ आध्यात्म उद्यात्म ये सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर करता हूँ बोला, मैं जिस टेबल पर बैठा हूँ
जो फाइल मेरे पास आती है उस फाइल को मैं कागज का टुकड़ा नहीं मानता, जिस होलीनेस ही बोला नहीं। इस कागज के अंदर एक परिवार का सुख दुख निहित है, सिर्फ उस एक कर्मचारी का सुख दुख निहित नहीं है, अभी तो उसका संपूर्ण परिवार का सुख दुख जो है उस पेपर में निहित होता है। इस चीज़ को मान करके, इस पेपर को मैं सजीव मान करके, मैं उस पर एक्शन ले करके ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। एक दिन भी मैं तो वो फाइल मैं अपने टेबल पर नहीं रखता हूँ, ये मैं करता हूँ करके जिस तरीके से मैंने कहा मैं करता हूँ, वो झूठ नहीं बोल रहा था मैं, क्योंकि ये बोलने आता इच्छा बनाने नहीं आता मेरे को, खैर झूठ। तो इसी प्रकार ये भावना हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, जिस किसी भी कार्यालय में हम काम करें, जहाँ करेंगे हम अपने को अहोभा के, अरे यार आज मैंने इस जरूरतमंद पर काम कर दिया है ना, इसका मैंने काम किया, तो ये भाव हमारे अंदर आए ना, उससे वाइब्रेशन कितना पॉजिटिव जाएगा, आप सोचिए कितना आप कितना शांति मिलेगी, वो भी आपके लिए क्या दुआ करेगा नहीं। हम लोग बेहतर बनना, रोकना करना, परेशान करना, पीड़ित करना, क्या उसे अपना अपना प्रॉब्लम, दूसरे को समझ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार भी हो पाए उसको भी ये बोलना, कस्टमर आए वो तो आपका सेवा कर रहा है, योगदान कर रहा है ना, खुशी खुशी उसका सेवा करना चाहिए, इसके चलते मेरा दुकान चल रही है, नहीं ये नहीं होता तो मेरा दुकान ही काम चलता, ये भाव होना चाहिए ना, ये भाव, यही जागृत तो करना, यही तो माइंड ट्रेनिंग है। दूसरे क्या होता है माइंड ट्रेनिंग, दूसरा बेशक लाख बार बोलते रहे ये प्रैक्टिकल नहीं, बेशक कुछ नहीं करेगा। अगर आपका विचार उल्टा है, बेशक बोले तो बेशक क्या करेंगे, पक्षपाती नहीं, हमारा बौद्धों का भगवान जो है ना पक्षपाती नहीं होता है, बौद्धों का इससे पूरा हिंदू में मैंने देखा है तो वो जो है ना उल्टा करने वाले को वो वरदान दे देते, चल ठीक है खत्म कर, लेकिन यहाँ वो लोग ये वरदान नहीं देंगे, उल्टा कर देते वो भी संपन्न हो जाओ, ये नहीं, ये थोड़ा अंतर है ठीक है ना, यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा करना पड़ेगा, बेशक के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आपका काम सिद्ध होगा, ये नहीं अगर होगा तो फिर नहीं होता, इसको आप लोग मान के प्लीज चलिएगा है ना। और इसी के साथ साथ क्योंकि आप लोग रेकी मास्टर है ना, तो बता रहे हैं तो अच्छा ही लगे, क्योंकि मेरा भी दो एक भतीजा और पति ही है, वो जो MBBS या MBS कर रही है, तो वो जब मेरे से मिला था मैंने उसको कहा था वो मेरे से कहने लगा MBBS कर रहा था, अब बोला MBBS करके बाद मैं IAS फाइट करूँगा, अंकल ये छोड़ो अब MBBS कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने बोला क्या चोरी करने चाहते हो, बिल्डिंग खड़ा करने चाहते हो IAS बन के, कुदरत ने इतना टैलेंट दिया जो कि तुम MBBS बन गए हो, IAS बन करोगे तुम, पहली बात तो तुम टेंशन करोगे मर जाओगे बीबी बात करके ठीक है ना, तुम नहीं चला सकते हो ना, दूसरी बात लेकिन देखो यार MBBS के पर क्या महान काम हो सकता है, लेकिन मैंने उसको समझाया था, फिर उससे मैंने कहा था देखो जब तुम डॉक्टर बनोगे तुमको क्या करना पता है, दोनों से मैंने कहा, किसी से भी कहा, भांजा से भी मैंने कहा, जब तुम्हारे पास एक पेशेंट आएगा बुढ़ा या बुढ़ी आएगा तो उसको जो ये सोचना है कि मेरे दादाजी है मेरे दादी जी है, तुरंत दादाजी और दादी जी का इमेज उस पेशेंट पर तुम लाना, जैसे तुम्हारा व्यवहार जो दादा दादी के साथ होगा पेशेंट के साथ वो व्यवहार करना होगा, फिर उससे थोड़ा कम आयु का अगर होगा तो अगर पुरुष होगा तो सोचो कि तुम्हारा बाप है, नहीं तो तुम्हारा भाई, अगर क्षत्रिय है तो तुमको सोचना कि ये मेरे माता जी है, मैं माता जी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या पिताजी का ट्रीटमेंट कर, उससे और थोड़ा कोई यंग तुम्हारे पास अगर आता है तो सोचना ये भाई है भाई, इस मोटिवेशन को तुम ले करके, इस एटीट्यूड को ले करके तुम काम करना ना डॉक्टर, देखना कितना आनंद मिलेगा, कितना तुम सफल होगे, कितना अच्छा होगा, ये करो ना है ना, क्या शांति चाहिए, शांति तो ऐसा करने से शांति आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर उससे मैंने कहा था जैसे तुम किसी प्राइवेट बहुत बड़ा हॉस्पिटल का तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुमको जो गवर्नमेंट डॉक्टर देहातों में यही करना, जहाँ पर लोग बहुत गरीब है अफोर्ड नहीं कर सके, ऐसे लोग ज़रूरतमंद के लोग तुम्हारे पास आइए, अगर ये तुम्हारा भावना रहा तो तुम्हारा जीवन सुख में शांत क्या मराठे कितना सुख शांति से रहोगे तुम कल्पना नहीं कर सकते, अभी तुम नहीं जानते हो मैंने उनसे कहा था ऐसा, मैंने दो तीन बार कहा, ये मैं आप लोगों से इसीलिए कर, मान लीजिए आपके पास कोई ज़रूरत में कोई पैशन या ऐसा आता है तो ये नहीं कि
हम उससे फ़ायदा लें, ऐसा नहीं। ठीक है, वो बिजनेस है तो फ़ायदा जो ज़रूरत है रिक्वायरमेंट वो तो आपको मिले, लेकिन आपका मोटिवेशन है ना, उसको ये सोचने का तरीका जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने परिवार के सके संबंधियों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये कृपा आप लोग लाइए तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो उसका इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा तो आपका काम भी बहुत अच्छा अच्छा होते रहेगा, वो विस्तार को पाएगा, डेवलप होगा, नई नई चीज़ सोचने लगेंगे। तो आपका जब मन जो शांत होगा है ना, अच्छा विचार वाला होगा, तो सोच भी नया नया आएगा, रास्ता खुद दिखाएगा, तो ईस्ट एरिया ये सब चीज़ें होगी तो वो पॉजिटिव का सपोर्ट ही करेगा। अच्छा ही नेगेटिव सोचेगा तो सफल नहीं होंगे, है ना। ये बुद्धिज्म का माइंड ट्रेनिंग है, ऐसा कीजिए आप लोग, अगर ऐसा करते हैं मैं समझता हूँ मेरा बोलना, आप लोगों का सुनना, हम लोगों का गैदरिंग मीनिंगफुल रहेगा, जीवन सुखमय होगा, शांतमय, हम सब सुखी और शांति तो चाहते हैं, सुखी और शांति का माध्यम यही सब चीज़ें हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चीज़ मेरे ख्याल से तो नहीं है, पता नहीं, हो सकता है मेरा अनुभव नहीं हो और भी दूसरा चीज़ें सुख और शांति के लिए होता हो, मैं नहीं कह सकता क्या जो भी। तो ये मैं वैसे कहने चाह रहा था तो कह दिया, अब फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा अपने पॉइंट पर, नहीं तो हम माइंड को कैसे देखें, माइंड को कैसे देखें। तो ये भी मैंने पहले एग्जांपल पहले सुना है, आप कई लोगों ने सुना होगा लेकिन मेरे को पता नहीं जीवन में आप लोगों ने उतारा कि नहीं, पता नहीं है ना। जीवन में उतारा हो तो ज़रूर परिवर्तन हुआ होगा, जीवन में नहीं उतारा हो तो नहीं उतारा, लिफ्ट एक्सरसाइज हुआ होगा। अब चित्त को जब आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, चित्त तो अरूपी है, चित्त को देखते समय ये लक्ष्मी तारा में कहा है कि देखो टाइगर की तरह होना चाहिए, टाइगर है ना, शेर की तरह होना चाहिए। शेर की तरह क्या हो, जैसे कि आदमी शेर पर पत्थर मारेगा तो वो शेर क्या करेगा, पत्थर किसने मारा तुरंत उस पर झपकेगा, तुरंत उस पर अटैक करेगा, ये उन्होंने बोला है, होता ही है ऐसा। ठीक उसी प्रकार जब विकट राग उत्पन्न होता है तो तुरंत राग कहाँ से आ रहा है, राग का उत्पत्ति का सोर्स कहाँ है, तुरंत वहाँ जाइए। द्वेष उत्पन्न हो रही है, द्वेष उत्पन्न हो गया, आप परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, तो द्वेष को चेस मत कीजिए, कहाँ से उत्पन्न आ रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा, आपका करवट बदल रहा है, बार बार यहाँ वहाँ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, सोर्स में जाइए। सोर्स में जाएंगे ना तो ओपन स्पेस एम्प्टीनेस, वो तो चित शांत अवस्था है ना। चित कहाँ से उत्पन्न हो रही है देखिए ना, कहाँ, कहीं जड़ है, कहीं आने का सोर्स है नहीं, विलीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। जैसे कि बर्फ सागर में गिरेगी, जैसे ही बर्फ गिरा पानी हो गया, जैसे ही बर्फ गिरा पानी हो गया, उसी प्रकार जैसे ही विकल्प आया सोर्स देखे शून्य हो गया, जैसे ही विकल्प आया सोर्स देखे शून्य होते जाएगा, धीरे 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 बार बार ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, विकल्प कम होते जाएगा, विकल्प कम होते जाएगा, चित्त की चित्त जो है शांत होते जाएगा, चित्त शांत होते जाएगा, शांत अतः सागर की तरह चित्त जो है क्रमशः शांत होना शुरू होगा। ये टेक्निक है, कोई दूसरा टेक्निक होता नहीं है, चित्त को देखने का तरीका यही है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता है चित्त को देखने का तरीका। ये न करके अगर जैसे कि कुत्ते पर आपने पत्थर मारा, कुत्ता क्या करता है, उसी पत्थर को भौंकते हुए चबाने लग जाता है, चबाएगा तो दांत तोड़ देगा और क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, पत्थर को नोच के उसको क्या मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब विकल्प उत्पन्न होती है, विकल्प को चेस करते रहे, विकल्प से विकल्प को परेशान होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसलिए जैसे ही विकल्प आया तुरंत सोर्स में जाइएगा, ये एक तरीका है चित्त को देखने का। ठीक है, तो धीरे धीरे शांत। दूसरा चित्त को देखने का तरह स्पाई एक उसके तरह करना है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे लोग करता है ना, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, करता है, देखते कि नहीं है, उसी प्रकार हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, हाँ ऐसा नहीं सोचेंगे कि पागल तुम क्या सोच रहे हो, अरे सावधान हो, अरे बेवकूफ की बात, किसको नष्ट करने के लिए सोच रहे, अरे क्या करने जा रहे हो, ये क्या तुम सही कदम उठा रहे हो, सफाई करो अपने चित्त को, उल्टा जाने मत, भड़कने मत, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सफाई करो, सफाई करो,
तो प्रयास करना पड़ेगा ना हमको। अगर आप चित्त शांत होने चाहते हैं, चित्त स्वरूप को समझने चाहते हैं, शांत में जीवन जीने, ये करके ये नहीं करेगा तो क्या, दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, बस एक दिन मर जाएंगे, कुछ इस जन्म में तो मर ही जाएंगे, दूसरे जन्म ऐसे ही भटकते रहेंगे और क्या होगा, उसकी कंडीशन भी तो वही होगा है ना। तो इसलिए क्या है, हमको चित्त को रखना है, ये करके देखिए, नजर रखिए, ये करना। फिर कभी कभी क्या कीजिए, खुले आकाश को देखिए, खुले आकाश को, खुले आकाश को देखिए, अपने चित्त को भी खुले आकाश की तरह रखिए। चित्त आकाश भी है तो आकाश की तरह रहिए ना, धीरे धीरे आकाश पर आप हो जाएंगे। जैसे जैसे आप आकाश पर हो जाएंगे ना, एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, सबको एक समान मानना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप संकुचित, इससे भी बात नहीं करना, उससे भी बात करना, ये भी मेरे आंखों के साथ लेना है, वो भी ना आए, बस और संकुचित, संकुचित नहीं होना, संकुचित तो बुद्धि भी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, क्या करना, रहना तो समाज में है, मिलना तो उन्हीं लोगों से है, काम तो उन्हीं लोगों से लेना है, उनको तो आप नहीं चाहते हैं, क्या फिर तो देर तो बेहतर जीवन दे रहे हैं ना, ऐसा भी क्या होता है, नहीं जीवन तो लेबर के साथ है, पड़ोसी के साथ जीना होता है, वो दिल्ली वाला आपको थोड़ी आगे काम करके देगा, बॉम्बे वाला थोड़ी आगे, आपका समस्या तो बगल वाला ही करेगा ना समाधान, तो उसके साथ अच्छा होने के लिए संपर्क अच्छा ना, हंसते खिलते वाइब्रेशन पॉजिटिव तो ना, तो कितना अच्छा होगा है ना, ये करना चाहिए। उसके लिए टेंशन हो रहा है, छत पर चले जाइए, खुले आकाश को देखिए, लंबा सांस लीजिए, शांत हो जाइए, नहीं बीपी कम करने का टैबलेट खा लीजिए और सिर्फ सीधा आकाश देखिए, तो टैबलेट का काम कर लेगा मेरे ख्याल से, नहीं खैर जो भी हो। अच्छा ये जो है सिद्धों ने एग्जाम्पल दिया है, फिर बोला है कि बच्चे के तरह रहना चाहिए, इन्फेंट शिशु के तरह। शिशु क्या करता है, जैसे बिजली है कुछ है, ये है छोटा बच्चा है, दो साल का है, वो देख ही रह जाएगा, तो पता नहीं ये संभाला है, ये चैनल दिखे, ये वो है, ये सुंदर है, ये पता कुछ नहीं देखेगा, लेकिन कुछ भी लेबल नहीं करेगा, बस देखते रहेगा। इसी प्रकार हमको देखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, किसने मेरा ये किया, उसने मेरा ये किया, पीछे वाला लेबल नहीं लगाना उस पर, बच्चे की तरह शिशु की तरह नहीं, हर किसी के साथ जो है हमारा व्यवहार शिशु के तरह हो, कोई कुछ नहीं, सब समान है ना, जो जिसको क्या, बस हमको शिशु के तरह रहना है। हमारा जन्म जब शिशु के रूप में हुआ, हम क्यों राक्षस के तरह बनते थे, नहीं शिशु की तरह रही, बच्चन में जैसे रहे थे हमको वैसे ही रहना चाहिए, कि क्या वो राक्षस बनना है, नहीं जिस दिन हम मरेंगे तो लोग याद भी करें ना, ऐसा जैसा मर सके तो जीवन निर्मल हुआ ना, अगर ऐसा बन गए देखो, हाँ ये लंगड़ा रहा, ये तो लंगड़ा नहीं था कि इतना दुष्काम किया, ऐसे ही बोलेंगे तो क्या फायदा हुआ, हाँ अब देखा वो बीमार सुना हो नहीं था, वो दूसरों को बीमार हो नहीं था, सपोर्ट कर रहे, तो ऐसा अगर जीना हो तो क्या, ये तो गलत बात होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राय हम उनके साथ ऐसे ही होता है, हम जोर जा के बोलते हाँ सुन रहा हूँ कि उसका शुगर बढ़ गया, अरे पड़े गए उसका कारण ही ऐसा था, ये सोच उसका तरीका ही ऐसा था, शुगर नहीं बढ़ गया और क्या होगा इसका, और भी बहुत कुछ हो जाएगा, लोग ऐसा बोलते फिरते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। तो ऐसा विचार आता है गाली देना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, कल तुम बीमार हो जाएगा तो पता लगेगा, तुम खुश हो रहे दूसरे की बीमारी पर है ना, स्पाई करो, ये करो, चित को देखो, चित को संभालो, चित को अच्छा बनाओ, चित को समझाओ, चित को बनाओ, मेरे यही सब चीजें हैं, बच्चे के तरह रहिए, शिशु भगवान होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है, हम लोग भगवान के ही रूप में रहिए, शैतान के रूप में मत बनिए, क्या फायदा है, जब हम शैतान के शैतान बोलते हैं तो गाली होता है ना, शैतान किसी को बोलना गाली होता है ना, तो हम तो वही बनते हैं, फिर क्या फायदा है, जो गाली वाला शब्द है वो हम बनने चाहते हैं, हम गाली देते हैं, वो तो देखूंगी कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। फिर अच्छा फिर दूसरा बात ये लिखा है कि प्राय चित्त जो है ना, जितने भी विकल्प हैं वो हमारे चित्त का ही विकृत रूप है
यानी कोई बाहर से नहीं आता है, हमारा सोचने का तरीका वो चित से अंदर। उसका एग्जाम्पल दिया कबूतर का, है ना। पुराने जमाने में जब लोग जो है सागर में निकलते थे तो नाव में कबूतर लेके जाते थे, बोलते हैं, है ना, तो कबूतर छोड़ते थे, ये देखना है कि अब भूमि जमीन पृथ्वी नजदीक है या नहीं है, कबूतर छोड़ देते थे। तो कबूतर उठ के चले जाता था तो जमीन नहीं देखता तो उसको वापस लौट के नाव पर ही आना होता है। अगर जमीन दी है तो जाके जमीन पर लैंड करेगा, वो वापस नहीं लौटता था, तो फिर नाव पर बैठने वाले सवाल सोचते थे हाँ अब तो पृथ्वी या जमीन जो है नजदीक है ना। उसी प्रकार सिद्धों ने कहा है जो भी विकल्प आती है ना वो बाहर से नहीं, तो हमारा प्रोटेक्शन है। कबूतर आता है उसको यहीं उतरना है, कहीं बाहर उतरने का स्पेस नहीं है, है ना। अच्छा विकल्प है वो हमारा क्रिएशन है, पूरा विकल्प है हमारा भी है, जो भी है हमारे स्वयं के द्वारा क्रिएट किया गया है, बाहर से बोला गया नहीं। हम लोग सिर्फ बाहरी गाली देने बैठ जाते हैं, बाहरी गाली तो हमारा गति। देखिए उदाहरण के लिए बाहर हम बस का, आप तो बस का कौन इंतजार करे, आज से 20 साल 25 साल पहले बस का इंतजार करना पड़ता था, तो हम जाते हैं 5 मिनट लेट बस निकल जाती है, हम बस को गाली देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि 5 मिनट में लेट हो गया इसलिए बस चली गई, ये नहीं होता है, उसको गाली देंगे ये कर दिया वो कर दिया, वो सब हमारे द्वारा क्रिएट है, हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट है, ठीक है। तो माइंड को थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग दीजिए। तो महामुद्रा का अर्थ है ना भूतकाल में जाइए ना फ्यूचर में जाइए, वर्तमान जो शाइनिंग है प्रेजेंट मोमेंट जो है वो प्रेजेंट उपहार की तरह है, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहने का प्रयास कीजिए, तो जो भी क्वालिटीज है जो भी गुण है वो अपने से आएगा। महामुद्रा कुछ ऐसा ही है, आप क्या किया जाए, क्यों ध्यान दीजिए, इतना ही ठीक है ना। हाँ बस यही मैं रखता हूँ, और इसके आगे आप लोग जो भी मेरे से जिज्ञासा रखने चाहते हैं या कुछ कहने चाहते हैं आप लोग कहिए। कितने वर्षों से साधना किया, कितने महीने से हमने साधना किया, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक महीना पहले सुना था किसी गुरुजी ने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, तो हम ठीक है सैटरडे को रहे थे हम 5-10 मिनट, या फिर मंडे को भी रहे थे शाम को 1 घंटा, तो फिर हाँ उस दिन भी रहे थे, फिर एक दिन पार्टी हो गया था उस दिन नहीं रह सके, लेकिन कर तो रही हूँ, एक महीना हो गया, तो इससे तो होगा नहीं, है ना, इससे तो निश्चित रूप से नहीं होगा। जैसे कि ऐसा ही आपको समझना चाहिए, कोई एक काफ़ी सीरियस बीमार व्यक्ति है, हम लोग एक प्रकार से चित्त के बीमार ही हैं, जन्म जन्मों का हमारे चित्त के ऊपर बहुत गहरा संस्कार है, उसको एक दो दिन या एक महीना या एक साल में तो शायद मुश्किल है, लेकिन टेबलेट खाते रहें एक महीना एक साल दो साल में निश्चित रूप से मास्टरी आप करेंगे ही करेंगे, झटके भी नहीं। हर क्षेत्र में हमको लेना ही होगा, किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए हमको समय चाहिए, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए 40-45 साल, अच्छा डॉक्टर करने के लिए हमको 40-45 साल काम करने पड़ते हैं, अच्छा लॉयर बनने के लिए या जो भी हो, हर क्षेत्र में मास्टरी प्राप्ति के लिए समय चाहिए, समय तो देना पड़ेगा, झटके से हम आशा नहीं कर सकते हैं। तो अब ये आपको थोड़ा होना चाहिए, है ना, थोड़ा इंतजार ये होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कम से कम जीवन में हमने ये ख्याल करना तो शुरू किया कि हम प्रेजेंट रहने चाहते हैं, वेट नहीं रहा, कम से कम ये तो शुरुआत किया, कम से कम ये तो पता लग रहा है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रही है, हम उसको अंदर लाने की चेष्टा करें, ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये तो अनुमोदनीय है, है ना, वो बहुत अच्छी बात है। उसको करने का तरीका जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना कि वही है, विचार आ रही है पास में भटक रहा है, कहाँ से आ रहा है वो, कैसे सोच रहा है वो खोजिए, तो वो अपने से शांत होना, अपने से शांत होना, टैबलेट खा रहे हैं जैसे कि, है ना, टैबलेट खा रहे हैं कम 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 हो रहा है, वो अलर्ट रहेंगे प्रतिपक्ष के प्रति, धीरे धीरे हो जाएगा, फिर श्वास प्रश्वास लीजिए, लंबा सांस लेकर के
चीज को लंबा सांस के साथ एकीकृत रखने का चेष्टा की, वो उसे आपका डिस्ट्रेक्शन कम हो जाएगी। फिर जैसे कि खुले आकाश को देखिए, उससे भी फिर आपका चीज जो है शांत होना शुरू हो जाए। जैसे कि सबसे अच्छा है वो करना, स्पाई करना है ना, वो उठ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, देखते रहना है ना। तो ये एक तरीका है शांत होने का। फिर जैसे कि सुबह आपको भेषज गुरु का इनिशिएशन मिला है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि अच्छा ट्रेन नहीं होने के कारण भागेगा तो उसको विकल्प चाहिए, ठीक है ना। उसको विकल्प के रूप में अपने को भेषज गुरु विजुलाइज कीजिए, मैं भेषज गुरु ऐसा कलर में हूँ, हैंड में मेरा यह है वो है, उस पर सोचना कर दीजिए। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर के एक पॉजिटिव विचार किया और पॉजिटिव आलम्बन किया और आएगी तो फिर आप देवता का विजुलाइज करेंगे। फिर उसके साथ मंत्र रिसाइज करते हुए उसमें कंसंट्रेट होने का चेष्टा करेंगे धीरे 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 धीरे। तो यही प्रक्रिया जो है धीरे धीरे, अगर एक साल डेढ़ साल आप करेंगे, मैं समझता हूँ आपको पता लगेगा जो दो साल के बाद देखो मेरा मन कितना शांत हो गया है। अगर वो चाह नहीं होगा, मैं बोला तुम कभी भी मेटरलाइज नहीं कर सकते, कभी भी इंजीनियर नहीं बनोगे। पहले तो ख्वाब तो कल्पना में ही उतारना है, तब जाके जो है मेटरलाइज होना यह तय है। लेकिन उसके साथ ये सोचो कि तुम क्यों इंजीनियर बनने चाहते हो, इस पर प्रश्न करना बोला। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं है इंजीनियर बनेगा तो बहुत पैसा मिलेगा तो मैं बिल्डिंग खड़ा करूँगा, है ना, बनारस में बिल्डिंग करूँगा, दिल्ली में भी करूँगा और लंबा चौड़ा गाड़ी दूंगा, ये तो तुम्हारे दिमाग में नहीं है ना बोला। अगर ये दिमाग में रख के तुम इंजीनियर बनने चाहोगे तो बोला जरूर बनोगे इंजीनियर, करोड़पति भी बनोगे, लेकिन मरते मरते जेल में होगा, ये ख्याल करना, जेल में रहोगे। लेकिन इंजीनियर बनने से ये सोचना कि देखो यार हमारे लेबर गरीब कितने लोग हैं, इनके पास मकान भी नहीं है, मैं ऐसा इंजीनियर बनूंगा जिसको जो है 1,00,000 में बहुत सुंदर कमरा बना के दे सकता हूँ, अटैच बाथरूम 1,00,000 में, वो इन्वेस्टमेंट मैं नया कोच करके ऐसा इंजीनियर में बनने चाहता हूँ। मैं इंजीनियर बन के मैं समाज का सेवा, जो गरीब जरूरतमंद है इनके लिए मैं कुछ करने चाहता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़े नहीं रहूँगा, मेरे को सबसे श्रेष्ठ इंजीनियर बनना, ये तुम लाना और देखना तुम इंजीनियर भी बनोगे, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, तुम्हारा मन शांत होगा, शांत होगा तो पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई भी होगा तो तुम जरूर नया काम सिद्ध करके तुम महान बनोगे, ये करना। लेकिन वो दूसरा वाला इंजीनियर बनने का शौकीन मत करना। तो इसी प्रकार निश्चित रूप से साधना करना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, मैं बढ़ चढ़कर ये बनूंगी ये बनूंगा सोचना ही चाहिए, मैं सबसे बेस्ट रेकी मास्टर बनूंगी ये सोचना। मान लीजिए अगर आप करते हैं तो सबसे बेस्ट वाला नहीं बनूंगी मैं, क्योंकि दुखियारे इतने लोग हैं, मैं उनका जीव कल्याण करने चाहता हूँ। तो ये मन में रख के पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आकांक्षा रखनी ही चाहिए, उसके बिना तो संभव ही नहीं, होना ही चाहिए, ये तो होना है। लेकिन सोच सही, सोच अच्छा वाला लेकर के करेंगे ना, वो जो है अगर ईस्ट देव भी हो सपोर्ट भी करेगा, आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग भी सपोर्ट भी करेंगे, है ना। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये होना, मैंने ये कहा था उस लड़के से, वही आपके लिए उत्तर होगा। में कुछ घटित होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा देखते हैं कि हमसे कोई पूछता है तो हम झूठ बोल देते हैं, या फिर कोई कुछ कर...
करता है तो हम गुस्सा कर देते हैं, उसके लिए कोई अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है या कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत सहजता से हो जाता है। लेकिन जब हमें किसी को सुना नहीं तो हम गुस्सा करते हैं या फिर हम झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हमें सच बोलना होता है या हमें शांत रहना होता है तो उसके लिए हमें धैर्य चाहिए होता है, हमें प्रयास करने पड़ता है। तो चित्त का स्वभाव ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा है ना, चित्त पर जो लेटेंसी है, जो हमारे चित्त पर अभ्यास है, जन्मों का अभ्यास करें या इसी जन्म का बचपन से लेकर आज तक का जो हमारा संस्कार है, हमारा जो सोच है ना, जो हमारा बिहेव है, उसका जो अभ्यास है ना, वो नेगेटिव होके बैठा है ना, इसलिए वो आसान है, वो स्लिप हो जाता है, वो आसान हो जाता है ना। ईमानदारी करने के लिए प्रयास जरूर करना पड़ता है, क्योंकि ईमानदार बनने का हमारे चित्त के अंदर वो संस्कार नहीं है ना, संस्कार बहुत कम है कहने का अभिप्राय है ना, संस्कार बहुत कम होने की वजह से, तो इसलिए जो है हमको जो है प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे ना आप, तब आपको सच बोलना आसान लगेगा, झूठ बोलना बहुत कठिन लगेगा। अब मैं अगर ऐसा कहूँ तो गलत बात होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, आप विश्वास नहीं करेंगे भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता है ना, झूठ बोलने के लिए मेरे को प्रयास करना पड़ता है, वैसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ मैं, सच नहीं और सच ही नहीं निकलता, क्यों झूठ बोले, क्या काम है, किस लिए झूठ बोल रहे हैं? इसलिए ये जड़ी बूटी वाला अनुभव नहीं, सही में है, सही में बता रहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो ये अभ्यास की बात है ना। तो आदमी यही परिणाम देखे ना, अगर आप सच बोलते हैं, बोल दिया, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, सच बोल दिया, झूठ बोल दिया तो याद करना पड़ेगा, अरे कल क्या हो पता, कहीं गलत ना हो जाए, उसके सामने मैंने पता नहीं कहीं बोल तो नहीं बोला, उल्टा तो नहीं हो जाएगा, आपको बहुत अलर्ट लेना पड़ता है, सच बोलते जाइए, इसमें क्या, क्यों झूठ बोलना है, झूठ नहीं तो सच बोलने के लिए जो है आप प्रयास कीजिए, तो प्रयास कर करके सत्यवादी आप बन जाएंगे, झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो कल्याण करना, परोपकार करना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि हम क्यों बुद्ध बनने चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरों का कल्याण करना इसलिए बुद्ध बनने चाहते हैं, हमारा बुद्ध बनने का उद्देश्य जो है क्या है, प्राणी मात्र का मैं कल्याण कर सकूं इसलिए मैं बुद्ध बनने चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं है, अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत दुख होती है एक मानव होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ करना है, करना है तो क्या है, चित्त को समझना है, बुद्ध बनना है, बुद्धि चित्त को उत्पाद करना है, तो क्यों करने चाहते हो, परोपकार करने चाहते हो, इसलिए तो तुम डायरेक्ट परोपकार कर सकते हो, तो उससे बढ़कर कोई दूसरा चीज है, भगवान का जप करना भी किस लिए है, परोपकार करने के लिए जप करना है ना, तो अगर परोपकार कर सकते हो तो जप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुरंत आदमी हम परोपकार नहीं कर सकते हैं है ना, तो इसलिए हमको पहले जप करना है, पहले तप करना है, साधना करना है, याद करना है, धीरे धीरे हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा, आत्मविश्वास जागेगी, तो उस दिन आप जो परोपकार करने लग जाएंगे वो महान परोपकार हो जाएगा। कभी कभी झटके में हम परोपकार करके सोचेगा, 5 दिन परोपकार करेंगे 10 दिन थक जाएंगे, गाली देते बैठ जाएंगे है ना, लेकिन एक अच्छा साधना करके जैसे आप परोपकार के लिए फील्ड में उतरेंगे वो कंटिन्यूटी रहेगी, इसलिए मेरे ख्याल से साधना करने के बाद उद्देश्य तो परोपकार होना ही चाहिए, उन दोनों में मेरे को चॉइस करने में परोपकार करूँगा ही करूँगा, लेकिन परोपकार में दृढ़ता लाने के लिए पहले थोड़ा साधना की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि तथागत बुद्ध 6 साल बड़ा कठोर तपस्या किया उन्होंने, तब जाके वो बुद्ध बने, जिस दिन 6 साल तपस्या करके जमीन में आए, क्षेत्र में आए, तो कहीं कोई समस्या उनको नहीं आई है ना, तो ऐसा जैसा है।